नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल और सूजी की एक नई रेसिपी। मैंने इस मूंग दाल और सूजी से सब्जी बनाई। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप मूँग दाल लिए हैं, या मैंने गुट्टे मूँग दाल जो होते हैं ना वो वाला लिए हैं, और 1/4 कप सूजी। मैंने पहले से ही मूंग दाल को 4-5 घंटा पहले ही इसे मूंग दाल को अच्छी तरह से भिगो दिए हैं, तो ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम किसी जार में डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम इसे किसी बर्तन में डाल देंगे। अब इसमें हम सूजी को डाल देंगे, 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो 1/2 चम्मच डालें वरना नहीं भी डाल सकते हैं, और 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मूंग दाल सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, इसकी सब्जी बना के हमें खाना चाहिए। और ये सब्जी मैंने जिस तरीके से आपको बता रही हूँ वो सब्जी का बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको सब्जी कैसी लगी। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं ताकि सूजी फूल जाए। अब इसके लिए हम सारे मसाले को तैयार कर ले रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ मैंने 8 से 10 लाल मिर्च लिए हैं, थोड़ी सी अदरक, 1 चम्मच जीरा, 20 से 25 काली मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच धनिया। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आप इसकी जगह सारे पाउडर भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे चीज़ों को तैयार कर लिए हैं। यहाँ मैंने 2 कटे हुए प्याज लिए हैं, 2 तेज़पत्ता, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, और जो मैंने मसाले दिखाए तो उसे मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए। यहाँ हमारा घोल भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है, देखिए इस तरह से है। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, क्या है कि घोल बहुत ही गाढ़ा हो गया था इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। ज़्यादा हमें घोल को पतला नहीं करना है, बस इस तरह से रखना है। अब एक पैन गरम कर लेंगे, इसमें हम अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे। अब घोल को हम इसमें इस तरह से डालेंगे, जिस तरह से हम चिल्ला बनाते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, बस उसी तरह से हमें इसे बनाना है। देखिए इस तरह से गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे। और इसे 1 मिनट तक इसी तरह रहने देना है। इसके किनारे में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है थोड़ा हल्का। अब हम इसे धीरे धीरे इस तरह से मोड़ लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिए हैं और इसे फिर से इस तरह से हमें कर लेना ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम इसे निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हमें सारे घोल का बना के रख लेना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत जल्दी बन भी जाएगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरह से इसका चिल्ला भी बना के खा सकते हैं दोनों तरफ से सेक के। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं।
अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे। अब इसमें हम तेजपत्ता और प्याज डाल के अच्छी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज हमारा भून चुका है। अब इसमें हम ग्राइंड किए हुए मसाले को डाल देंगे। इसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है लगभग 10 मिनट तक। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर को भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाले को हम अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। अब पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको ग्रेवी अगर पतला चाहिए तो ज़्यादा पानी डालें, कम चाहिए तो थोड़ा सा ही पानी डालें। अब पानी में हम उबाल आने देंगे। जब ये अच्छी तरह से उबल जाए तब इसमें हम जो बनाए थे उसे मैंने पीस पीस में कट कर लिए थे उसे हम इस तरह से डाल देंगे और इसे एक मिनट तक हम फिर से अच्छी तरह से पकने देंगे। ये देखिए हमारे एक मिनट हो चुके हैं। ये लीजिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर।